हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गोभी का पराठा की रेसिपी। विंटर सीजन है, अगर हमने गोभी का पराठा नहीं खाया तो और क्या खाया। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अगर गोभी का पराठा मिल जाए, खास करके इस विंटर सीजन में, तो और क्या चाहिए। और अभी फ्रेश गोभी भी मिल रहा है तो पराठा भी मस्त बनता है, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी भी बनता है और बच्चों को गोभी का पराठा पसंद भी आता है। आप ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह गोभी का पराठा बना के अपने बच्चे को दे सकते हैं, या तो फिर टिफिन में भी आप गोभी का पराठा बना के अपने बच्चे को दे सकते हैं। आपके बच्चे के लिए हेल्दी भी होगा और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो चलिए बना लेते हैं आज गोभी का पराठा। तो गोभी का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फूल गोभी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, रफली चॉप्ड ऑनियन, कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्ते। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिया है, जैसे कि ये अजवाइन, ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट। इस फूल गोभी को मैंने नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश किया था, बट फिर भी फूल गोभी के अंदर कीड़े होते हैं, तो इसके लिए मैं इसको नमक के पानी से थोड़ी देर डुबो के रखूँगी और अच्छे से वॉश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये फूल गोभी और थोड़ा सा नमक और पानी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको करीबन 2 मिनट के लिए हम रख देंगे ऐसे ही और फिर वॉश कर लेंगे। नमक के पानी से वॉश करने से फूलगोभी के अंदर जो कीड़े हैं वो बाहर आ जाते हैं और मर जाते हैं, और उसके बाद अगर आप नॉर्मल पानी में वॉश कर लेंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा ये फूलगोभी। तो ये फूलगोभी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, नमक के पानी में डुबो के रखा था, उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो पूरी तरह से ये क्लीन हो चुका है। अब मैं इसको बॉयल करूंगी। फूलगोभी मुझे बहुत देर तक बॉयल नहीं करना है, बस थोड़ी देर, 2-1 मिनट के लिए इसको मुझे बॉयल करना है। तो गोभी को मैंने 2 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब है इसको ग्रेट करने की बारी। सिंपली एक ग्रेडर से मैं इस फूलगोभी को ऐसे ग्रेट कर लूंगी। फूल गोभी का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मतलब कितना पराठा आपको बनाना है उस हिसाब से आप फूल गोभी ले सकते हैं। थोड़ी देर बॉयल कर लेने से गोभी का जो कच्चापन है वो भी चला जाता है और आप इजीली ग्रेड भी कर सकते हैं। फूल गोभी का जो फूल का हिस्सा है वही हम सिर्फ ग्रेड करेंगे, ये जो ऊपर का हिस्सा है वो हम नहीं लेंगे। तो ये सारा फूल गोभी मैंने अच्छे से ग्रेड कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इस गोभी में मैं ऐड करूंगी रफली चॉप्ड अनियन, धनिया के पत्ते, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और ये अजवाइन। और अब मैं पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूंगी। आपको हाथ से ही मिक्स करना है तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये गेहूँ का आटा। आपको पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा, आप बस आटा मिलाइए और एक सॉफ्ट डो बना लीजिए। अगर आपको लगे कि आपको पानी चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, बट मुझे पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसमें जो गोभी में या अनियन में जो पानी होता है उसी में अच्छे से ये आटा गूंद गया है, तो ये सॉफ्ट डो बन के बिल्कुल तैयार है। अब चलिए बना लेते हैं पराठे। तो चलिए पहले पराठे बेल लेते हैं। पराठे बेलने के लिए मैं यहाँ पे सूखा आटा यूज़ करूँगी। तो इस डो में से मुझे बस इतना सा हिस्सा लेना है, इसको हाथ से गोल करना है, सिंपल जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही इसमें सूखा आटा लगाना है और सूखे आटे से इसको अच्छे से बेल लेना है। थोड़ा सा ध्यान से वरना ये टूट सकता है इजीली। तो ये देखिए पराठे बनके बिल्कुल तैयार है। तो पहले सारे पराठे बना लेते हैं, उसके बाद एक साथ हम सेक लेंगे। तो ये सारे पराठे मैंने बना लिया है, अब चलिए इन पराठे को सेक लेते हैं। तो पराठे सेकने के लिए मैंने पैन ले लिया है। पैन थोड़ा सा गर्म होने पर मैं इसमें दे रही हूँ थोड़ा सा घी। गोभी का पराठा जो है वो आपको कुकिंग ऑयल में या घी में ही बनाना है, तभी स्वाद आता है। अब एक पराठा हम इसमें दे देंगे।
और लो से मीडियम फ्लेम के बीच में हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे करीबन 2 मिनट के लिए एक साइड से। और धीरे से हम इसको पलट देंगे और ऑपोजिट साइड से भी हम इसको 2 मिनट के लिए सेकेंगे। और ऐसे ही उलट पलट के हम इस पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। तो ये गोभी का पराठा बनके तैयार है। अब ऐसे ही मैं सारे पराठे बना लूंगी। तो बस ये सारे गोभी के पराठे बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में घी से बना हुआ गोभी का पराठा अगर आप अपने बच्चे को सर्व करेंगे तो आपके बच्चे को बहुत पसंद आएगा आई एम श्योर। और ये सॉफ्ट भी होता है, आपका बच्चा आई एम श्योर इजीली खा सकता है और उसका पेट भी अच्छे से भर जाएगा। मेरी बेटी को गोभी का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चाव से खाती है। टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं अपने बच्चे को, उसको बहुत पसंद आएगा। और वैसे भी आप सुबह ब्रेकफास्ट में ये गोभी का पराठा बना के दे सकते हैं, आई एम श्योर आपके बच्चे को बहुत पसंद आएगा। तो बस ये थी गोभी के पराठे की रेसिपी। आई एम श्योर कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस रेसिपी को सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।